हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन आई एम हेयर विथ यू एंड दिस इज़ योर इंग्लिश सेशन। प्रीवियस इंग्लिश सेशन में हमने सीखे था हमारा लेटर जे। आज हम करेंगे पेज नंबर 71 प्रैक्टिस टाइम। शैल वी स्टार्ट? रिकॉग्नाइज ईच पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स बॉक्सेस। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना। आपको हर पिक्चर को पहचानना है, ध्यान से देखना है और जो फ्लिंदा ब्लैंक्स हैं बॉक्सेस के वो फिल करने हैं। तो देखिए, व्हाट इज़ दिस? टेल मी स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ हेलीकॉप्टर। दिस इज़ हेलीकॉप्टर। और मैंने आपको बताया था हेलीकॉप्टर ह। बताइए ह किसका फोनिक साउंड है? ह का फोनिक साउंड हमें कौन सा लेटर देता है? यस, एच। एच ह हेलीकॉप्टर। एच ह हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट देखिए, लुक एट द पिक्चर, व्हाट इज दिस? यस, दिस इज डॉग। दिस इज डॉग। द किसका फोनिक साउंड है बताइए? डी, द डॉग। तो आप यहाँ पर डी लिख देंगे, डी द डॉग। इसीलिए फोनिक साउंड याद होना बहुत ज़रूरी है बच्चों, आपको पता होने चाहिए। और मैं हमेशा आपको फोनिक साउंड के साथ कराती हूँ लेटर। अब देखिए क्या है ये? आइस। आई ई आइस। आई को मैंने आपको बताया था, आई का फोनिक साउंड आई की तरह भी यूज़ होता है और ई के लिए भी यूज़ होता है। जैसे आई ई इग्लू, आई आई आइसक्रीम। आई का फोनिक साउंड दो तरीके से यूज़ होता है। आई का फोनिक साउंड आई भी होता है कुछ वर्ड्स में, जबकि आई का फोनिक साउंड कभी कभी ई भी होता है अकॉर्डिंग टू वर्ड। नेक्स्ट है, बताइए क्या है ये? लुक एट दिस, दिस इज जग। दिस इज जग। जे ज जग। और जग का फोनिक साउंड हमें मिलता है जे लेटर से, जे ज जग। नेक्स्ट है, बताइए क्या है ये? व्हाट इज दिस स्टूडेंट्स? दिस इज फ्रॉग। दिस इज फ्रॉग। फ। फ का फोनिक साउंड कौन सा लेटर देता है हमें? फ किसका फोनिक साउंड है? फ है एफ का फोनिक साउंड। एफ फ फ्रॉग। एफ फ फ्रॉग। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज दिस? दिस इज गॉट। दिस इज गॉट। ग ग गॉट। तो ग का फोनिक साउंड हमें मिलता है जी से, जी ग गॉट। जी ग गॉट। एंड नेक्स्ट देखिए, बताइए क्या है? मैंने आपको बताया था, व्हाट इज दिस? दिस इज इग्लू। जहाँ बहुत बर्फ़ होती है वहाँ पर इस तरीके के हाउस बनाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं इग्लू। आई ई इग्लू। तो यहाँ पर आई लेटर से इस ब्लैंक को फिल कर दीजिए, आई ई इग्लू। तो आपको इसी तरीके से पेज नंबर 71 अपनी बुक में कंप्लीट करना है। ये है आपका होमवर्क। साथ ही साथ आपको अब तक आपने जितने भी लेटर सीखे फ्रॉम ए टू जे, आपको बोथ मैनर में, कैपिटल एंड स्मॉल बोथ मैनर में, इसी तरीके से अपनी इंग्लिश नोटबुक में उनकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि ए ए बी ब सी क डी ड ई ए एफ
फ जी ग एच ह आई ई जे ज। इसी तरीके से आपको कैपिटल और स्मॉल बोथ मैनर में आपको ए टू जे तक इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये है आपका होमवर्क। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट इंग्लिश सेशन में। बाय बाय।